आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्लाइसिंग एलिमेंट इन पाइथन, है ना। स्लाइसिंग एलिमेंट कैसे करते हैं नमपाई के थ्रू, स्लाइसिंग एरे यूजिंग नम पाई। अब देखो यहाँ पर स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। तो स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एरे लिस्ट है, जैसे मान लो कि 4, 6, 8, 9, 12 कुछ इस तरह से एरे लिस्ट है, और उसमें से आप चाहते हो कि 6 से लेकर के 9 तक का एलिमेंट आपको प्रिंट कराना है ना। तो इसको किस तरह से हम प्रिंट कराएंगे, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइस, मतलब काटना छांटना, है ना। तो स्लाइसिंग एलिमेंट जो होता है उसमें क्या होता है ना कि जहाँ से हम लोग एक इसका सिंटेक्स होता है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट इंडेक्स नंबर लिखते हैं, उसके बाद जहाँ पर हम जहाँ तक हमें एलिमेंट चाहिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एंड लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल में हम सबसे पहले एक प्रोग्राम लिख लेते हैं इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी। एक हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स इक्वल टू एन पी डॉट, ये एन है, ये एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर हम ये एरे में एलिमेंट हम पास करते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये हमने एलिमेंट पास किया। अब हम चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि इसमें जो इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल जो लेंथ है एलिमेंट का वो 10 है, लेकिन जैसे ही हमने 0 से स्टार्ट किया तो वो 9 तक गया, है ना, यानी कि n माइनस 1 तक चलता है, 0 to n-1, ऐसे हम लोग लिखते हैं 0 to n-1 तक हमारा डेटा रहता है। अब यदि हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं स्लाइस करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम आपको बता देंगे कि यहाँ पे हमने लिखा 2 is 2 और 6 लिखा, है ना, कैसे 2 is 2 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा प्रिंट एक्स, एक एक्स हो गया और यहाँ पे 2 is 2 6 लिखा, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि 2 कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे 6 से स्टार्ट है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट आपका क्या आएगा, आउटपुट में आपका 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट है तो 2 के जगह पे क्या है, 2 के जगह पे आपका ये 6 है, ठीक है, तो 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, है ना। तो यहाँ पर 12 तक आपका आएगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पर 6 लिखते हैं तो 6 तक हमारा डेटा नहीं प्रिंट होगा, उससे एक पहले तक हमारा डेटा प्रिंट होगा, है ना, एक पहले तक यानी कि 5 तक चलेगा। तो हमारा क्या होगा, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, इस तरह से हम
डेटा का स्लाइस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक और बताते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इम्पोर्ट लिखा और नम पाई एज एन पी लिखा, यहाँ पर एक्स इजक्वल टू एन पी डॉट एरे लिखा, इसके अंदर हम ऐसे पास करते हैं और 3, 6, 9, 12, 15 है ना, कुछ इस तरह से हमने डेटा को पास कर दिया। अब इसका इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर के 4 तक इंडेक्स नंबर है। यदि हम किसी लोकेशन के बाद पूरा पूरा डेटा प्रिंट कराना होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लोकेशन है, तो 2 से लेकर के लास्ट तक हमें प्रिंट कराना है डेटा को, तो कैसे हम प्रिंट कराएंगे? तो यहाँ पर आपको एक लिखना होगा, यहाँ पे प्रिंट लिख दीजिए, एक्स लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और 2 इज 2 लिख दीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करके स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो इसका आउटपुट जो होगा, इसका आउटपुट 9, 12, 15, यानी कि 2 के बाद, 2 इंडेक्स के बाद से जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यही चीज़ यदि हमें पहले प्रिंट कराना, ये तो बाद का हो गया, यानी कि इंडेक्स नंबर दिया, उस इंडेक्स नंबर के लास्ट तक प्रिंट कराएगा। और यदि हम कोई इंडेक्स नंबर दें, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 इंडेक्स नंबर दें, ठीक है, तो 3 इंडेक्स नंबर हम देते हैं तो इससे पहले का कैसे प्रिंट करेगा, ये हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा यहाँ पर प्रिंट लिखा और एक्स लिखा, यहाँ पर कोलन लगा दिया और 3 लिख दिया, यानी कि यहाँ पे 0, 1, 2 है ना। तो आपको ये जो 3 से पहले 0, 1, 2 वाला है, ये पूरा पूरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। इसका जो आउटपुट होगा 0 लोकेशन पे क्या है 3, 1 लोकेशन पे क्या है 6 और 2 लोकेशन पे क्या है 9, यानी कि आपका जो आउटपुट होगा 3, 6 और 9 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा का स्लाइस कर सकते हैं। अब नेगेटिव स्लाइसिंग करना हो तो कैसे करेंगे, ये तो पॉजिटिव स्लाइसिंग हो गया, यानी पॉजिटिव हम लोग इंडेक्स नंबर देते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर से हम लोग स्लाइस किए डेटा को, है ना। अब हमें नेगेटिव स्लाइसिंग करना हो तो कैसे करेंगे, तो नेगेटिव स्लाइसिंग करने के लिए एक प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं, फिर नेगेटिव स्लाइसिंग करके बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी, फिर एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं, जैसे 2 का टेबल ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये 2 का टेबल हमने इस तरह से एलिमेंट में ले लिया। अब इसका इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन, यानी कि टोटल 10 है लेकिन 0 to 9 चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्स, इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, तो लास्ट वाली जो वैल्यू होता है ना, लास्ट से जो एलिमेंट होता है वहाँ से हम लोग करते हैं माइनस वन से स्टार्ट करते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन। ये इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जैसे लिखें प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखें माइनस एक्स का, एक्स का माइनस थ्री इज टू माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस वन, माइनस थ्री से लेकर के और माइनस वन तक का हमने यहाँ पे रेंज लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस वन वाला जो वैल्यू है ना उसको छोड़ करके माइनस थ्री टू टू प्रिंट करेगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो 16 और 18 आएगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा इस तरह से आएगा 16 और 18, क्योंकि हमेशा आप देखिएगा जो इंडेक्स वैल्यू लास्ट में दिया जाता है उससे एक पहले, तो माइनस वन के एक पहले क्या होगा, माइनस टू होगा। माइनस टू यानी कि माइनस थ्री से लेकर के माइनस टू की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा, ठीक। ये होता है आपका इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब स्टेप क्या होता है, एस टी ई पी, ये होता है स्टेप, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को रन कराना होता है, स्टेप बाय स्टेप हम डेटा को उठाते हैं। एक एग्जांपल हम इसका एक और ले लेते हैं, इंपोर्ट नम पाई एज एन पी, और एक लिख लेते हैं, वही एग्जांपल हम लेते हैं एन पी डॉट एरे, और इसमें हम वो एलिमेंट ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये आपने एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर यदि हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट लिखते हैं, ठीक है, और प्रिंट लिखने के बाद से हम एक्स पास करते हैं, एक्स का वन इज टू फाइव इज टू टू करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वन इंडेक्स पे क्या है, तो जीरो वन, वन इंडेक्स पे क्या है, वन इंडेक्स पे आपका फोर है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए ये फाइव लिखा हुआ है, यानी कि इसका रेंज क्या होगा, तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर, ये आपका पूरे पूरे रेंज हुआ फोर तक। और ये क्या है टू, यानी कि इसके बाद, किसके बाद, ये जो फोर के बाद से वन और टू स्टेप चलेगा, और टू स्टेप पे क्या है,
एट हैं, यानी कि यहाँ पर एट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब फिर से एक बार आपको समझा दें कि सबसे पहले हमने वन से स्टार्ट किया। वन वन का लोकेशन कहाँ पे है, ये है वन का लोकेशन। अब वन के लोकेशन पे क्या है डेटा, तो फोर है। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि हमें जो रेंज लेना है वो फाइव तक ही लेना है। तो फाइव तक रेंज क्या हो सकता है, तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर, ये फाइव तक हो गया। उसके बाद से ये बोल रहा है कि इसका जो डेटा है ना, ये जो टू लिखा हुआ है, इसके बाद वन के बाद से टू स्टेप चलना चाहिए। यदि यहाँ पे थ्री होता तो थ्री स्टेप होता तो यहाँ प्रिंट करता है, टेन प्रिंट करता है। यदि टू स्टेप है तो ये क्या प्रिंट करेगा, एट प्रिंट करेगा। इस तरह से आपका स्टेप चलता है। ठीक है, उसके बाद एक और हम एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एक प्रोग्राम हम लिख लेते हैं, इम्पोर्ट जावा, सॉरी इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी, और यहाँ पर लिखे एक्स इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर हम पास करते हैं वहीं टू का टेबल ले लेते हैं, टू टू जा फोर या सिक्स, टू फाइव जा टू फोर जा टेन, ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन और ट्वेंटी। इस तरह से आपने ये एलिमेंट ले लिया। और यदि हम इसको प्रिंट कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रिंट लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया x, और यहाँ पर दो कोलन लिया और लिखा यहाँ पर टू, इसका मतलब क्या हुआ, है ना? तो इसका मतलब कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर जीरो और वन लिखा हुआ है ना? या ये क्या है, जीरो है, ये वन है, टू है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इस तरह से हैं। ठीक है, तो वन लोकेशन पे हमारा क्या है, पहले तो स्टार्ट करेंगे जीरो लोकेशन से। तो जीरो लोकेशन पे क्या है आपका, टू है। फिर उसके बाद से दो स्टेप देखेंगे। ठीक है, वन टू, टू लोकेशन पे क्या है सिक्स, फिर यहाँ से हम टू लिखेंगे देखेंगे, है ना, वन टू, ये आपका इस लोकेशन पे क्या है टेन है। फिर आगे देखेंगे वन टू, इस लोकेशन पे क्या है फोर्टीन, फिर यहाँ से देखेंगे वन टू, इस लोकेशन पे क्या है हमारा एटीन है। ठीक है, तो ये दो दो का स्टेप इस तरह से चलेगा और इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए डिफाइन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्स, और इसके बीच में जो वैल्यू होता है वो उसको किसके लिए बोलते हैं रेंज, और यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। यदि आपका स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है, है ना, तो कहाँ से चलेगा, जीरो से चलेगा। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद से स्लाइसिंग टू डी एरे, टू डी एरे को कैसे स्लाइस करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं, इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी,
एक्स इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और इसमें हम 2D एरे ले लेते हैं, जैसे 5 4 3 2 1, ये आपके जीरो जीरो रो पे आया, ये 2D एरे जीरो रो पे आया। उसके वजह से कॉमा ले लेते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं 10 9 8 7 6, ये आपके वन लोकेशन पे आया, यानी कि वन रो पे, है ना। इसका जो मैट्रिक्स बनेगा ना 2D का, कुछ इस तरह से बनेगा 5 4 3 2 1, फिर उसके बाद से 10 9 8 7 6। तो ये जो रो की संख्या कितना है, 0 और 1 है। कॉलम की संख्या कितना है, 0 1 2 3, है ना, 4, यानी कि 5 कॉलम की संख्या है और 2 रो की संख्या है। यदि हम किसी भी वैल्यू को कॉल कराते हैं, जैसे मान लो कि 8 की वैल्यू को कॉल कराएंगे, तो क्या करेंगे, 1 रो में 2 कॉलम में जो वैल्यू है वो 8 है, ठीक है। तो इसके डेटा को हमें प्रिंट कराना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर और प्रिंट लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं x, और फिर यहाँ पे 1, 1:4 लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं। यानी कि अब यदि यहाँ पे 1 है, ये 1 क्या है, ये आपका रो 1 में 1:4। अब देखो यहाँ पे 1:4 क्या होगा, 0 1 2 3 4, 1:4। तो क्या होगा, 1 से चलेगा, क्योंकि 4 से पहले तक चलेगा ना, 1 2 3। यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, तो 9 8 और 7 आएगा, ये हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये होता है स्लाइसिंग, यानी कि ये रो की संख्या है और ये जो है ये हमारे रो में जो कॉलम है ना, उसको प्रिंट कराया गया है, ठीक। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर प्रिंट लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं x, फिर लिखेंगे 0:2, 2, ठीक है, 0:2, 2, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 1 2 लिखा है ना, यहाँ पे भी 0 1 2, ये 2 यहाँ पे आया और यहाँ पे 2 आया। अब इस 2 में वैल्यू क्या है, इस 2 में वैल्यू 3 है, और इस 2 में वैल्यू क्या है, इस 2 में वैल्यू 8 है, ठीक है। इस तरह से हमारा डेटा चलेगा, ठीक है, इसका आउटपुट ये आएगा। तो ये हुआ आपका 2D में किस तरह से डेटा को स्लाइस करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा
कि NumPy का डेटा टाइप क्या होता है, और ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।